ही महत्वपूर्ण तिथि है, विशेष तिथि। आज का तिथि को स्वीकार करके हमारे परम आराध्य श्रील परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्त दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज का इस धराधाम में अवतरण हुआ। बहुत दिन से प्रवचन नहीं किया, कम से कम 15 दिन से ज़्यादा ही हो गया, तो मन में एक भाव था कि परम गुरु जी के तिथि में अच्छा खासा बोलेंगे और उनका जीवनी उठा के पढ़ना भी शुरू किया। कई सारी बातें तो कुछ बात भारती गोसाई महाराज जी से गुरु जी से तो श्रवण किया ही है, लेकिन ऐसा हो गया कि अब कहाँ से शुरू करें कहाँ से शेष करें ये भी पता नहीं चल रहा। परम गुरु महाराज जी इस जगत में जो अवतरण लीला किया, प्रतिवर्ष उनके अलौकिक चरित्र को श्रवण करने पर, पाठ करने पर एक बात हृदय में स्पष्ट होता है कि परम गुरु महाराज जी शायद मेरे अकेले का ही मंगल करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। बाकी सब तो वैष्णव है, सबका मंगल तो हुआ ही है, मैं बदजीव होने के कारण नहीं समझ पाता। लेकिन जब जब मैं उनके जीवनी का पाठ करता हूँ, जब जब मैं उनको श्रवण करने का प्रयास करता हूँ, तो हृदय में ये भाव आता है कि परम गुरु महाराज जी मेरे मंगल के लिए, मेरा उद्धार के लिए शायद इस जगत में अवतार ग्रहण किया है। बहुत सारी उनकी दिव्य लीलाओं को हम लोगों ने हमारे प्यारे आदिकेशव प्रभु जी से श्रवण कर लिया, लेकिन मैं पुष्पांजलि अर्पण करना है, इसलिए मैं इतना मैं निवेदन करना चाहूँगा। परम आराध्य परम गुरुदेव ने अपने अंतिम वाणी के माध्यम से जो उपदेश दिया कि सब तीन चीज़ों से बच के रहना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बड़ी भयंकर चीज है, उससे परम गुरु महाराज जी ने बच के रहने का आदेश किया था, निर्देश दिया। और उनकी विशेषता ये है, परम गुरु महाराज जी बोला करते थे कि फॉलो मी नॉट माय लेक्चर। बोलना अच्छा होता है, लेकिन परम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सिर्फ शब्द नहीं निकलते थे, आचरण के साथ में युक्त होके निकलते थे, ये बहुत बड़ी बात है। आचरण नहीं है तो शब्दों के अंदर वो गरिमा कभी भी आ नहीं सकता, इसीलिए आचरण बहुत जरूरी है। स्वयं आचरण पर धैर्य पर, स्वयं आचरणशील होकर जो उन्होंने आचरण किया, उसी को चार आदमी को मार्गदर्शन दिया करते थे। हमने सुना हरिद्वार वाली घटना, कितने धनी धन से संपन्न परिवार था, लेकिन परम गुरु महाराज जी को अनेक प्रकार के प्रलोभन देने के बाद भी उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हमने सुना किस प्रकार से वो वृद्ध परिवार उनके पास आके उनसे निवेदन करता है कि एडॉप्ट करने के, क्योंकि परम गुरु जी का स्वरूप इतना अद्भुत था। और दूसरी बात, परम पूज्यपाद श्री भारती गोसाई महाराज जी से जो सुना, कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति उनका लोभ या अथवा आकर्षण भी देखने को मिला नहीं। कनक मतलब पैसा होता है, धन संपत्ति जो कुछ भी है, माट ये वो सब, ऐसे प्रवृत्ति में अपना जीवन को व्यतीत किया कि इस तरह से चिंतन करते थे कि जो दिन मेरे हृदय में ये भाव आया
कि मैं इसका संरक्षक हूं, मैं इसका आचार्य हूं, मैं इस मठ को बनाया, उससे एक दिन पूर्व ही मेरा देहांत हो, इस प्रकार की धारणा के साथ में अपने जीवन को व्यतीत किया परम गुरु महाराज जी। इसीलिए सब कुछ रहते हुए, बहुत ऐश्वर्य रहने के बाद भी, बहुत वैभव रहने के बाद भी, कभी भी वो अपने आप को ऐश्वर्यवान समझा नहीं है। इसीलिए परम गुरु महाराज जी के सभी शिष्य यही बात को मान के जीते थे कि हम गरीब का बच्चा है। परम गुरु जी गरीब थे, परम गुरु जी कभी गरीब थे ही नहीं, लेकिन स्वयं परम गुरु जी ने इस जागतिक वस्तु को, कभी भी कोई भी वस्तु को, मठ तक को भी, किसी भी चीज को अपना समझा ही नहीं है। उन्होंने किस चीज को अपना समझा? गुरुदेव की सेवा, वैष्णव सेवा ही मेरा सब कुछ है। हमने अभी सुना, वैष्णव सेवा का अवसर प्राप्त ना हो तो ये जीवन धारण करने का भी कोई अर्थ परम गुरु जी देखा ही नहीं करते थे। ये उनका वैशिष्ट है, स्थान है। प्रभुपाद जी ने भी 64 मठ बनाया। इसीलिए परम गुरुदेव जैसे, प्रभुपाद जी के जैसे आत्मज की तरह है। वैसे भी श्री गुरु महाराज जी कहते कि उनकी आकृति, उनका स्वरूप इस प्रकार से था जैसे प्रभुपाद जी के करकमल आजानुबाहु थे, उनके शरीर जैसे लंबा सा था। परम गुरु महाराज परम गुरु महाराज जी का भी इसी प्रकार से था। इसलिए कई लोग परम गुरु महाराज जी को देखकर शायद प्रभुपाद जी का पुत्र है ऐसे भ्रमित हुआ करते थे। आकार भी ऐसा ही बन गया है, ऐसा अद्भुत उनका था। और श्रील प्रभुपाद अपनी आत्मकथा में रचना करते हैं कि जितने भी मठ मंदिर इत्यादि है, ये सब मेरा वास्तविकता में संपत्ति नहीं है। मेरा संपत्ति क्या है? मेरे परमाराध्य श्रील गुरुदेव के श्रीमुखारविंद से निश्रित वो कीर्तन जो मैं सर्वप्रथम साक्षात्कार के अंदर श्रवण किया था, वही वास्तविकता में मेरा धन है। प्रभुपाद जी ने पढ़ा उसको, प्रभुपाद जी ने अपने धन के परिचय में वहां पर दिया क्या उनका संपत्ति है। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे जो कीर्तन गोद्रुम के गलियों के अंदर लोटपोट करते हुए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज विलाप करते हुए उस तीव्र विरह के साथ में आतुर होके गा रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा मेरा अगर संपत्ति कुछ है इस संसार में सिर्फ वही है, कनक से दूर है। परम गुरुदेव भी ऐसे ही है। मेरा क्या है संपत्ति? विष्णु वैष्णव सेवा ही मेरा संपत्ति है, अगर अवसर प्राप्त हुआ। इसीलिए परम गुरु महाराज जी ने अनेकों घटनाएं इस प्रकार से उनके जीवनी में देखने में आता है, जहां पर उन्होंने असंख्य धनराशि को वैष्णव सेवा के लिए ही एकत्रित करके उसी में नियोजित किया। अगर स्वयं अपना चिंता करते तो श्री चैतन्य गौड़िया मठ आज जिस स्थिति में है उससे भी ऐश्वर्य से संपन्न स्थिति में और हो सकता। लेकिन परम गुरु महाराज जी ने आरंभ से लेकर एक ही बात के ऊपर जोर दिया, वो है आदर्श। वो आदर्श क्या है? विष्णु वैष्णव सेवा। अपना बाद में सोचना है, खुद के लिए बहुत बाद में सोचना है। किसकी सेवा करनी? गुरु सेवा करनी। और इस बात को स्वयं अपने श्रीमुख से अभिव्यक्त किया करते थे हर व्यास पूजा के अंदर। निश्चित रूप से इस कीर्तन को गाते थे, अमार जीवन सदा पापेरत नाही को पुण्य रले। ऐसा नहीं एक आध बार गा दिया, हर बार गाते थे इसको। और उसके बाद बोलते थे कि भगवान मूल गुरु है, फिर उसके बाद जो मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे भगवान के साथ संबंध प्रदान किया,
ओ मेरे गुरुदेव। तो इसीलिए मूल गुरु है भगवान जो मेरे अज्ञान को दंश कर रहे, और मेरे गुरुदेव जो मुझे भगवान के साथ संबंध बना रहे। इन सब की सेवा ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और साथ ही वैष्णव जो कि मेरे सतीर्थ स्वरूप में विराजमान है, ये भी मुझे गुरु सेवा करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और साथ में जो बैठे हुए व्यक्ति है शिष्य रूप में, वो भी सब मेरे गुरु ही है, क्योंकि वो सब कृपा करके अपने नजरों को मेरे ऊपर लगाकर सब समय में गुरु सेवा में नियुक्त रहूं, इस प्रकार से मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी प्रभु संबोधन करते थे, अपने शिष्यों को भी नमन किया करते थे, परम गुरु महाराज जी का भी वही आदर्श, वही व्यक्तित्व हमेशा साथ में देखने में आया। क्यों? वो मुख से नहीं बोल रहे, हृदय से। उनके हृदय की ये भाव है कि मेरा शिष्य वास्तविकता में शिष्य दिख रहा है, लेकिन ये कौन है? मेरा सेव्य है। ऐसा दर्शन, ऐसी स्थिति परम गुरु महाराज जी के अलौकिक आचरण में देखने को मिला। जब जब परम गुरु महाराज जी की ये सारी महिमा को श्रवण करते हैं, हृदय में इतना पीड़ा होता है कि परम गुरुदेव के शिष्य बनने के लिए योग्य कौन से जन्म में बन पाए। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, आप लोग मुझे बड़े दिल से क्षमा करें, ये मेरी अपनी हृदय की बात है, मैं किसी को संबोधन नहीं कर रहा। मेरे परम गुरुदेव की जीवनी को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, उनके शिष्यों को देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वास्तविकता में साधारण बात नहीं है। हर तरह के भोग से दूर, घर में भी अपने माता पिता से कभी भी किसी वस्तु की कामना रखते हुए बोलना, मठ में आने के बाद भी बहुत सारी सेवाओं को करते थे। हमने सुना जो ब्रह्मचारी के लिए जो चाहिए, जो मठ में जिस वस्तु की आवश्यकता है, इतना अद्भुत उनका सेवा दक्षता है, समर्पण है, कि जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें विदेश भेजने के बारे में विचार किया था कि इनको विदेश प्रचार के लिए भेजना है, बहुत सुंदर अंग्रेजी बोलते थे और बहुत सुंदर उनका प्रवचन, उनका प्रस्तुति, लोक व्यवहार, सब कुछ इतना अद्भुत गुणों से गुणी थे। इसलिए प्रभुपाद जी का हृदय में यह भाव आया कि हयग्रीव ब्रह्मचारी जो है इनको विदेश भेजना है, क्योंकि प्रभुपाद जी को यह बात का अच्छी तरह से पता था कि कोई भी असाइनमेंट अगर परम गुरु महाराज जी को दिया जाएगा, वो कभी भी एकम्प्लिश हुए बिना वो वापस नहीं आते थे। परम गुरु महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के सम्मुख में उपस्थित हुए, इसका पीछे यही तात्पर्य है, जो असाइनमेंट दिया गया था वो एकम्प्लिश हो गया है। ऐसा व्यक्तित्व था। और किस तरह से प्रभुपाद इसीलिए बोलते थे ये कौन है, इनकी जो एनर्जी है वो वॉल्केनिक एनर्जी है, जहां पर सभी के प्रयासों का अंत होता है वहां पर परम गुरु महाराज जी का ऊर्जा का शुभारंभ होता है। ये बात प्रभुपाद जी को पता है। एक समय प्रभुपाद जी कलकत्ता में विराजमान है। जब कलकत्ता में प्रभुपाद जी विराजमान है, परम गुरु महाराज जी श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोसाई महाराज जी के साथ प्रचार यात्रा को संपन्न करके जब लौट के कलकत्ता मठ में आए, बाग बाजार मठ में आए हैं, अभी प्रभुपाद जी ने उनको देखते ही बोल दिया, अच्छा आ गया, अभी मथुरा जाना होगा जन्माष्टमी के लिए, वापस आए। अब प्रभुपाद जी बोलते अभी मथुरा वापस जाओ, फटाफट जाओ। क्यों? बोलते कि अभी तो व्रजमंडल परिक्रमा नजदीक आ रहा है, तुम जल्दी जाके रहने का व्यवस्था, खाने पीने का, हर चीज का व्यवस्था देखना है, जल्दी चलो। बोलते ठीक है। एक सेवक को परम प्रभुपाद जी ने कह दिया,
कि आप ना इनके लिए पूरी सब्जी बना दो रास्ते के लिए। परम गुरु महाराज जी बोलते हैं आवश्यकता नहीं होगा, हम मथुरा तक तो चला जाएगा इसे। कहाँ कलकत्ता, कहाँ मथुरा। परम गुरु जी सोचते सेवक को क्यों कष्ट दे, वैष्णव को क्यों कष्ट दे, मेरे लिए। इसलिए बोलते हम तो चला जाएगा। प्रभुपाद जी जानते हैं उनके हृदय को, इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपना लोटा एक कमंडल सा रहता है ऐसे ढक्कन वाला जो रहता है, पहले होता था पीतल के होते थे, हाँ अभी है होंगे, परम गुरु जी के भजन कुटीर में दो तीन है वो रखा हुआ, ऐसे ढोल चीज ऐसा रहता है पीतल का ऐसे ढक्कन वाला। प्रभुपाद जी ने उसमें चीनी घोला हुआ पानी दे दिया और कुछ नींबू दे दिया कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है नींबू काट के उसको बना के नींबू पानी बना के पी लेना। और जब परम गुरु जी वहां से आ गए, एक ब्रह्मचारी को प्रभुपाद जी कहते हैं इनकी जो ऊर्जा है वो असमोर्द है, साधारण नहीं है। इसीलिए अग्रीव ब्रह्मचारी जो है उनकी जो एनर्जी है वो वोल्केनिक एनर्जी है। ये बात हमारे गुरुवर्गों ने सुना, गुरुजी ने सुना, श्रील भारती महाराज सब ने सुना। कुछ बात भारती महाराज जी कहते हैं, जब गुरुजी ने कहा कि जब हमारे गुरुदेव प्रकट थे एक क्षण के लिए हमको बैठने का मौका नहीं दिया था, जिस तरीका से वो हमें सेवा में नित्य निरंतर नियोजित करके रखते थे, वो बोलते आज ऐसी सेवा का सुयोग ना पाकर हृदय व्याकुल हो रहा है। जबकि परम गुरु महाराज जी वर्तमान समय के अंदर भी इतनी सेवा में पूर्णता रत रहते थे कि उनके साथ उनके शिष्य कोप अप नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं कि सारे परम गुरु जी जो सब करते हैं उससे ज्यादा करते हैं। श्री महाराज जी बोलते थे कि देख के मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद जी ने यह शब्द परम गुरु जी के लिए, गुरुदेव के लिए क्यों प्रयोग किया था, ऐसा उनकी एनर्जी है। उस सारी एनर्जी को, अपनी पूरी ऊर्जा को किसमें लगाया, उन्होंने वैष्णव सेवा में लगाया। भगवान का सेवा, भगवत भक्तों का सेवा और कुछ नहीं, वही उनका प्रयोजन है। इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने इच्छा किया इनको विदेश भेजना है तो मठ वाले सारे प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए, अगर इनको भेजोगे 32 मठों को तो बंद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होता है कि एक सेवक के अभाव में 32 मठों का सेवा रुक जाना। इस कारण से परम गुरु महाराज जी का उस समय विदेश यात्रा हो नहीं पाया, और जो भी है वो तो प्रभुपाद जी की इच्छा के ऊपर, लेकिन स्वयं परम गुरु महाराज जी 32 मठों को चलाने जितनी सेवा को एकत्रित करने के बाद भी जब अपने लिए कुछ चाहिए होता है वो मठरक्षक के पास जाके बोलते हैं, और वो भी कैसे, कुछ चाहिए ऐसा नहीं, नेवर डिमांडिंग, सिर्फ रिक्वेस्ट है। हमको तो मांगना भी नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें ऐसे ही आ जाते हैं, कई बार समझ नहीं आता करना क्या है, और इतनी कृपण बुद्धि है दूसरे को देने का भी इच्छा होता नहीं। सड़ जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, जो भी हो जाए चलेगा, लेकिन दूसरे को देना नहीं, ऐसी अपना स्वभाव है। वहां उनके पास सब आता था, सब उठा के मठ में देते हैं, और उसके बाद मठरक्षक को बोलते हैं प्रभु कोई पुराना कुछ है, नया भी नहीं मांगते थे कभी। ऐसा परम गुरु महाराज जी का कनक के प्रति, चीजों के प्रति उनका विरक्ति है, ऐसा ऐसी युक्त वैराग्य, सब कुछ करना लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत बड़ी बात होता है। आदमी थोड़ा गुणी होने से उसके मन में आता है मैं भी तो कुछ हूं, अगर थोड़ा कलेक्शन करने से लगता है कि मैं तो कलेक्टर हूं, थोड़ा ग्रंथ पढ़ने से लगता है मैं ज्ञानी हूं, थोड़ा सुंदर दिखने से अच्छा लगता है मैं अच्छा दिखने वाला दर्शनदारी महात्मा हूं, कई चीजें लोगों के मन में आते, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग धारणा, लेकिन
इतना दिव्य आकृति। परम गुरु महाराज जी जब अपने त्रिदंड को लेकर संकीर्तन करते हुए नगर में भ्रमण किया करते थे, बोलते हैं लोग जिस जो स्थान में उनको दर्शन कर रहे हैं वही स्तब्ध होके उनको देखा करते थे। इतना दिव्य रूप, इतने दिव्य गुणों के साथ युक्त होने के बाद भी किसी एक वस्तु के प्रति भी उनके अंदर लोभ नहीं, किसी ने नहीं देखा। अमृतसर के अंदर वो व्यक्ति जो दुर्गियाना मंदिर में बहुत ज्यादा सेवा किया, उनका नाम क्या है, जो भी एक नाम है उस समय का, एक था जो बहुत, तो परम गुरु जी का ना, ना दूसरा है ना, ना वो ना, ना पहले वाला कोई और है, कोई दास है, जो भी है दुर्गियाना मंदिर अमृतसर के अंदर बहुत सेवा की उन्होंने। वो परम गुरु महाराज जी और उनके साथ श्रील गुरु महाराज जी, श्रील भारती महाराज जी और दो ब्रह्मचारी वहां पर गए थे प्रचार के लिए। शुरू में जब प्रचार के लिए वहां पे गए, वो व्यक्ति उनसे कह रहा है कि महाराज किसी भी चीज के लिए संकोच नहीं करना, जो चाहिए मांग के ले लेना। और एक किराना दुकान वाले से मिला दिया, जो जो सामान चाहिए आप ले लो। जब वो चला गया, परम गुरु महाराज जी इन लोगों को बुला के बोलते हैं, कुछ भी मांगना नहीं, कुछ भी लेना नहीं, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना है। वो आदमी जोर जबरदस्ती करके हर दिन 5 लीटर दूध भेज रहा है, बोलते ठीक है 5 लीटर। उसके बाद वो आदमी बोलता नहीं, 20 लीटर दूध एक दिन में भेजना ही भेजना है। एक दिन में 20 लीटर दूध वहां आता है। परम गुरु महाराज जी ने देखा और बोलते हैं, मैंने तुम लोगों से मना किया था कि कुछ मांगना नहीं, तुम लोग 20 लीटर दूध ले लिया एक एक दिन में। तब श्रील भारती महाराज जी, गुरु महाराज जी ये बोलने लगे थे कि गुरु जी ये तो हम लोगों ने तो मना किया, वो जोर जबरदस्ती करके देता है। तब परम गुरु जी ने आदेश किया, खीर बनाओ। वो व्यक्ति इतना ज्यादा परम गुरु जी के प्रति आसक्त हुआ, वो कहता है कि जिंदगी में मैंने बहुत महात्मा को यहां निमंत्रण किया, बहुत लोगों का सत्संग भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक निष्कलंक परम विरक्त अद्भुत अगर संत किसी को देखा जिसने मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर लिया है, वो श्री भक्तदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी है, जिनके हृदय के अंदर अपना किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं, कुछ मांग नहीं। यहां तक भी यहां से जब आगे बढ़ रहे हैं तो उस स्थान में जाने के लिए ये वस्तु की जरूरत है रास्ते के लिए, वो भी परम गुरु महाराज जी नहीं बोलते थे। और जो हम जबरदस्ती करके उनको देते थे वो भी यही पर लोगों को बांट बूंट के चले जाते थे। इस तरह का व्यक्तित्व वाला महात्मा हमने नहीं देखा। ऐसा कनक के प्रति उनकी उदासीनता है। अगर कुछ है सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, वैष्णव सेवा में लगाओ, कामिनी तो छोड़ ही। तो रही बात प्रतिष्ठा की, कभी भी उन्होंने प्रतिष्ठा को लिया ही नहीं। श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी वृंदावन के अंदर मठ बनाने के लिए इच्छा किया, उसी समय मालूम पड़ता है कि उसके बगल वाला जो प्लॉट है वो परम गुरु जी को मिलने वाला था, जो विनोदवाणी गौड़िया मठ है। श्रील गिरी गोस्वामी महाराज जी परम गुरु महाराज जी के पास आके उनसे कहते हैं, आप यहां मठ करेंगे तो हमारा मठ में तो कौन आएगा, यहाँ तो कोई आएगा नहीं, यहाँ तो क्योंकि हमारा तो वो प्रभाव नहीं है। इस तरीके एक एक गुरु भाइयों का एक प्रेम वार्ता है। उन्होंने उसे कहा, मजाक में कहा, गंभीर होके कहा, जैसे भी कहा कहा। परम गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया कि हम वृंदावन में यहाँ पर मठ ही नहीं करेगा। बाद में टेम्पो स्टैंड का जमीन मिला जब, तब उन्होंने वहां पे मठ किया दूर में। वो स्थान मिलने के बाद भी परम गुरु महाराज जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि नहीं, मेरे ज्येष्ठ सतीर्थ है,
उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा परम गुरु महाराज जी का एक अलौकिक व्यक्तित्व है। हर उत्सव के अंदर परम गुरु महाराज जी यद्यपि गुणों से श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि जो कोई भी मठ जहां पर परम गुरु महाराज जी का नाम लिया जाता है, बड़ा छोटा जो कोई भी है, उन सब का सर श्रद्धा के साथ में झुक जाता है। आदमी ना आयु से ना मठवास से महान नहीं होता, अपने गुणों से होता है। ऐसे महान गुणी हमारे परम आराध्य श्रील परम गुरु महाराज जी है, ये उनकी विशेषता है, हर चीज से परे। और हमेशा वैष्णवों का ही सेवा, और कैसी सेवा, परम गुरु महाराज जी अपने व्यास पूजा के दिन जितने भी वैष्णव आते थे उन सबको वस्त्र देना, उन सबको दक्षिणा इत्यादि देना, और जो वैष्णव दूर से आए हैं परम गुरु महाराज जी पर्पसली उन सबको आने जाने का किराए भी देकर बड़े अच्छे तरीका से उनका विदा किया करते थे। परम गुरु जी बोलते हैं, मेरे लिए मेरे जन्मदिन का कोई महत्व नहीं है, हर दिन वैष्णव सेवा का सुयोग को मैं निश्चित रूप से अवेल करूंगा, और अगर ऐसी कोई तिथि आता है तो उससे मैं चूकूंगा क्यों। परम गुरु महाराज जी हर स्थिति को, हर अवकाश को केवल मात्र वैष्णव सेवा के लिए ही उन्होंने व्यवहार किया, वो चाहे उनका अपना आविर्भाव तिथि क्यों ना। उसी क्रम में आज तक भी, अभी तो मैं जानता नहीं, ज्ञान जब तक गुरु महाराज जी प्रकट थे, इस संसार में प्रकट रहे हैं, तब तक परम गुरु जी के हर व्यास पूजा में जो भी जाता है उनको वस्त्र, उनको प्रणामी इत्यादि सब कुछ सब जगह पे दिया जाता था। गुरु जी तो स्वयं देते ही थे और जगह पे भी वो लोग दिया करते थे, क्योंकि परम गुरु महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व था। दो ब्रह्मचारी जब परम गुरु महाराज जी प्रचार करते करते एक मठ गए, वहां पर दो ब्रह्मचारी को चिकन पॉक्स हो गया, तो उन लोगों को अलग कमरे में रख दिया, वहां पे दूर में रखा, और प्रसाद भी उनको दूर से दिया जाता, जैसे कोविड के मरीजों को दिया जाता है ऐसे दूर से दिया जाता है। अभी परम गुरु महाराज जी को पता चल गया, और वो लोगों ने क्या किया, मठ तो इतने संपन्न नहीं थे तो इसलिए दूध कम ही आता था। परम गुरु जी आए, यात्रा करते आए, कलेक्शन करके आए हैं, तो विशेष है तो उनकी सेवा करना, इसलिए दूध उनके लिए रख देते थे। जब परम गुरु महाराज जी को पता चल गया वो दो अस्वस्थ हैं और उनको तो दूध भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कम है, ना देने का कारण नहीं है, कम है। परम गुरु महाराज जी को पता चल गया कि मुझे दिया जाता है, उनको नहीं दिया जाता, वो उनसे मिलने गए। जब उनको प्रसाद देने का ढंग देखा, इतने अप्रसन्न हुए, दुखी हुए, दुखी होके बोलते हैं वो वैष्णव है, क्यों दर्शन है, हम तो मरीज देखते हैं, बीमार हो जाएगा, वो जो लग जाएगा तो वो घुस जाएगा, परम गुरु जी का ऐसा दर्शन ही नहीं है। बोलते वैष्णव है, तुम्हें सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसीलिए उनका सेवा विशेष रूप से करना और आम को दूध देना नहीं। जब खाने का बारी आता है, जब कुछ स्वीकार करने का बारी आता, अपने आप को सबसे आखिर में रखते थे, सबसे पहले वैष्णवों का करो। जो मठ के अंदर भी जितने भी भंडारा हुआ करते थे, परम गुरु महाराज जी अपने सभी सतीर्थों को प्रसाद देने के बाद, अब जितने भी वैष्णव आए, भक्त आए, उन सबको देने के बाद, उसके बाद जाकर के प्रसाद ग्रहण किया करते थे। बाद में गुरुजी श्रील भारती महाराज जी ये लोग आगे आए थे, जब ये लोगों ने परम गुरु महाराज जी का वो दायित्व को संभाल लिया, इसीलिए परम गुरु जी अपने गुरु भाइयों के साथ बैठ के प्रसाद इत्यादि ग्रहण किया करते थे। तो इस प्रकार से उनका अलौकिक आचरण देखने में आया है, जो कि साधारण व्यक्तियों के द्वारा संभव नहीं है।
परम गुरु जी वो व्यक्तित्व है जो हमेशा इस भाव में रहते हैं कि वैष्णव प्रसन्न है तो मेरा सेवा, मेरा जन्म, मेरा सर्वस्व सार्थक हो गया। जो समय हो गया, घड़ी भाग गया, किसी और समय हम लोग और चर्चा करेंगे। मेरे हृदय में कुछ और बात बोलने का था लेकिन नहीं, वो मेरा स्मरण से अवजल हो गया। हाँ, इसीलिए वो तो मैं पहले ही बोल दिया। इसीलिए परम गुरु महाराज जी जो बोलते हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा से बचना, वो अपने आप को आगे करके हम लोगों को सुपथ पे चलाने के लिए, सुपते परिचाल या सर्वदिनम, सुपथ पे हम लोगों को चलाने के लिए खुद को उस स्थान में रखकर वो आचरण करते हुए हमें दिखला रहे हैं कि तुम्हारा आसक्ति का केंद्र केवल गुरुदेव होना चाहिए। वो लोग बोला जरूरत नहीं, तुम्हारा आसक्ति का केंद्र जो है गुरुदेव होना चाहिए। अगर गुरुदेव तुम्हारा आसक्ति का केंद्र है, वैष्णव तुम्हारा आसक्ति का केंद्र है, तो तुम्हारा निश्चित रूप से साधन सफल होगा, जन्म सफल होगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने वही किया, उनके शिष्यों ने भी वही किया, श्री गुरु महाराज जी ने भी वही किया, श्री भारती गोसाई महाराज ने वही किया, और वैष्णवों ने भी वही किया है। ऐसे हमारे परम गुरु महाराज जी हैं। आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनकी लीला अनंत है। परम गुरु महाराज जी 1904 में प्रकट हुए हैं, लेकिन परम गुरु महाराज जी की एक विशेषता ये भी है, परम गुरु महाराज जी समय के साथ अपडेटेड महात्माओं में से एक हैं। उनकी दर्शन, उनकी दृष्टि कितना दूरदृष्टि है, बहुत दूर तक। महात्माओं का यही वैशिष्ट होता है, जो मूर्ख होता है वो एट द मोमेंट देखता है, वो जैसे भेड़ होता है ऐसे नीचे करके सामने देख के चलता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो लोग दूर को देख करके उस हिसाब से चलते, दूरदर्शी होते हैं। और परम गुरु महाराज जी ने अपनी तमाम लीलाओं को अपनी दूरदर्शिता के आधार पे उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए जो व्यक्ति परम गुरु महाराज जी के दिव्योपदेशों को स्मरण करता है, उनके दिव्य लीलाओं का चिंतन करता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने आध्यात्मिक जीवन में पतित नहीं हो सकता है और सुनिश्चित रूप से भगवत पाद पद्म को प्राप्त कर ही रहेगा। परम गुरु महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन है, वो हम पर कृपा करें कि हम, मेरा जीवन सार्थक हो सके और मैं उनके शिष्य अभिमान के साथ अपने प्राणों को त्याग सकूं। वंशा कल्पतरुं भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मैं तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, क्या मालूम क्या हो क्या चेगा। वो पुष्पांजलि कोई डाला नहीं, क्यों नहीं डाला पता नहीं, वो तो देखा था एवरीवन।